नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना वायरस का असर आईपीएल में पड़ सकता है, क्या आईपीएल के मैचेस कैंसिल होंगे या फिर कम कर दिए जाएंगे आईपीएल के मैच या फिर कुछ और, इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी कर दीजिए प्रेस, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देखो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से विश्व भर में डर फैल गया है। कोरोना वायरस से काफी लोगों की जान भी जा चुकी है और चाइना से शुरू हुआ ये वायरस अब भारत में भी अपना रंग दिखा रहा है और दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से अब आईपीएल पर भी खतरा मंडरा रहा है। देश के सबसे चर्चित लीग को शुरू होने में अब 20 दिन से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में अब इसके आयोजन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। तो दोस्तों, जिस लीग का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, अब वह लीग रद्द भी हो सकती है। मतलब कि इस बार आईपीएल नहीं खेला जा सकता है या फिर तारीख में बदलाव किया जा सकता है। अगर आईपीएल होता भी है तो इस बार ग्राउंड में लोगों की गूंज सुनने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, दर्शकों से खचाखच भरने वाला स्टेडियम इस बार सुना भी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार के मैचों को बंद दरवाजे में करवाया जाए, यानी कि दर्शकों को एंट्री ना दी जाए और केवल अधिकारियों की उपस्थिति में सिर्फ खिलाड़ियों के बीच मैच करवाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ग्राउंड कमेटी को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि बीसीसीआई के अधिकारी सौरभ गांगुली ने आईपीएल के आयोजन को तय समय पर ही करवाने की बात कही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय अगले हफ्ते बीसीसीआई के साथ मीटिंग करेगा और अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हो, क्या मैचेस होने चाहिए या कैंसिल कर देने चाहिए, या फिर मैचेस हो और दर्शकों की एंट्री बंद की जाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।